बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के घर में भीषण डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त अपराध कर्मियों को हथियार, लूटी गई जेवरात सहित लाखों रुपये नगद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चाहिए कि 5 दिसंबर को रतनपुर ओपी क्षेत्र के मियाचक मोहल्ला में स्वर्ण व्यवसायी कपिलेश्वर मंडल के घर पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर घर वालों को अपने कब्जे में लेकर डकैती और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में अपराधियों ने कपिलेश्वर मंडल के एक पुत्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस दौरान अपराधियों ने 70 किलोग्राम चांदी, 500 ग्राम सोना तथा 70,000 रुपये नगद की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में रतनपुर सहायक नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। उक्त कांड के उद्भेदन, लूटे गए सामान की बरामदगी एवं अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु बेगूसराय के SP अवकाश कुमार के द्वारा सदर DSP अमित कुमार के नेतृत्व में कई थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने अनुसंधान दल द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल अनुसंधान संकलन कर कांड का उद्भेदन कर अपराधियों के छिपने के ठिकाने पटना, हाजीपुर, बेगूसराय तथा बिहार राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल तथा अपराधियों के घर पर छापेमारी किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल स्थित गुरुलिया से और प्राथमिकी अभियुक्त गोपाल चौधरी के घर से लूटे गए सामान में से 1 किलोग्राम चांदी, 79 एवं 1,72,000 रुपया नगद बरामद किया गया। इसी अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में 23 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली कि इसी वर्ष मई महीने में नगर थाना में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से हुई लूटकांड का कुख्यात अपराधी मटिहानी थाना क्षेत्र के ठाकुर श्याम ठाकुर के पुत्र शशि ठाकुर अपने गैंग के साथ मुफस्सी थाना क्षेत्र के भारद्वाज नगर में अपने गैंग के साथ अपने किराए के मकान में भारी मात्रा में पैसे का बंटवारा कर बिना नंबर के हुंडई कार से हथियार से लैस होकर मटिहानी की ओर जा रहा है। इसी सूचना पर विशेष अनुसंधान दल के सदस्यों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मटिहानी थाना अंतर्गत बदरपुरा चौक से चिता बल के सहयोग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अपराधी भागने में सफल हो गया। इनके पास से पुलिस ने हथियार, कारतूस, रुपया बरामद किया है। पूछताछ में अपराधियों के द्वारा बताया गया कि 5 दिसंबर को कपिलेश्वर मंडल के घर हुई लूटपाट की घटना में आभूषण को गलाकर बाकरगंज पटना में बेचा गया था। उसी का पैसे का बंटवारा कर मटिहानी की ओर सभी जा रहे थे कि रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसमें शशि ठाकुर भाग निकला। पकड़े गए अपराधियों में पटना जिला अंतर्गत अगम कुआं थाना क्षेत्र के गांधीनगर के रहने वाले कपिल चौधरी के पुत्र गोपाल चौधरी, जिसका वर्तमान पता पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला के नोवापारा थाना क्षेत्र के लेलिन नगर गुरुलिया का रहने वाला है। वहीं पटना जिला के बाद थाना क्षेत्र के दयाचक के रहने वाले स्वर्गीय अब्दुल मन्नान के पुत्र मोहम्मद कलीम, जिस पर जिले के नगर थाना थेगरा थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं नवादा जिला के नवीनगर थाना क्षेत्र के सुग्रीव जी के पुत्र अविनाश कुमार के साथ साथ पटना जिला के भांजे काला तेरीनाथ गली मच्छरहट्टा के रहने वाले लालू साहू के पुत्र रंजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है, जिसके पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 कारतूस, 79 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी के साथ 7,52,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार और मोटरसाइकिल को जब्त करने में पुलिस ने कामयाबी पाई है। इस संबंध में बेगूसराय के SP अवकाश कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी है। BNP न्यूज के लिए संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। पूरा क्या मामला, किस तरह की सफलता हासिल लगी है? ये दिनांक 5/12 को यहाँ टाउन थाना क्षेत्र में एक डकैती की, गृह डकैती की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था डकैती का, और उसके अनुसंधान के लिए, रिकवरी के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सदर SDPO कर रहे थे। उसमें CCSMU के प्रभारी, टाउन थाना इंस्पेक्टर जो नए पदस्थापित हुए उसके बाद, रतनपुर SHO, FCI के SHO, मटिहानी के SHO और मुफस्सिल थाना के JSI नीरज, इन लोगों की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने घटना के बाद कई सारे CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया। टेक्निकल सेल ने टावर डंप और इत्यादि टेक्निकल जितने भी पहलुओं से अनुसंधान हो सकता था उसको हम लोगों ने किया,
और आप लोगों को ज्ञात होगा कि मई महीने में टाउन थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी ही सुबह सुबह घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यवसायी की दुकान से कुछ सामान चोरी करके डकैती करके ले जाया गया था। उस कांड का उद्भेदन हुआ था, किंतु उसमें एक दो अभियुक्त शेष रह गए थे। हम लोग को प्रथम दृष्टया शक गया कि हो सकता है वही व्यक्ति जो बचा हुआ है फिर से किसी नए गैंग के साथ उसमें इस घटना को अंजाम दिया होगा। सभी पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान करते हुए, टेक्निकली मैनुअली इनपुट कलेक्ट करते हुए, बेगूसराय ज़िले में कई स्थानों पर छापेमारी हुई और इसके साथ साथ हाजीपुर, पटना, यहाँ भी अलग अलग ठिकानों पर जैसे जैसे हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिलती गई उसमें हम लोगों ने छापेमारी की। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को टीम भेज कर रेड करवाया गया। उसमें वहाँ से जो अभियुक्त के नाम आए थे अनुसंधान के क्रम में, उसके घर से वहाँ पर हम लोग को सामान बरामद हुआ, चांदी का और सोने का सामान मिला, कुछ कैश वहाँ से रिकवर हुआ। इसमें छापेमारी हम लोग गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे, तभी कल हम लोग को सूचना मिली कि उस केस से रिलेटेड अभियुक्त लोग पैसा का बंटवारा करने के लिए बेगूसराय के ही इलाके में हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत हम लोग एक टीम यहाँ से रवाना की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चार लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल हो गया। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उनमें गोपाल चौधरी, मोहम्मद कलीम, अविनाश कुमार और रंजीत कुमार, ये चार लोग हैं। एक शशि नामक जो अपराधी है वो भागने में सफल हुआ। जो शशि उस पहले केस में भी वांटेड है। गोपाल चौधरी, कलीम, अविनाश और रंजीत गिरफ्तार हुए, इनसे फिर पूछताछ किया गया। वैसे हम लोग अनुसंधान ऑलरेडी हम लोग का टेक्निकली और मैनुअली पूरा, क्या मामला, किस तरह की सफलता हासिल लगी है? ये दिनांक 5/12 को यहाँ टाउन थाना क्षेत्र में एक डकैती की, गृह डकैती की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था डकैती का। और उसके अनुसंधान के लिए, रिकवरी के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सदर SDPO कर रहे थे। उसमें CCSMU के प्रभारी, टाउन थाना इंस्पेक्टर जो नए पदस्थापित हुए उसके बाद, रतनपुर SHO, FCI के SHO, मटिहानी के SHO और मुफस्सिल थाना के JSI नीरज, इन लोगों की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने घटना के बाद कई सारे CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया। टेक्निकल सेल ने टावर डंप और इत्यादि टेक्निकल जितने भी पहलुओं से अनुसंधान हो सकता था उसको हम लोगों ने किया। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि मई महीने में टाउन थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी ही सुबह सुबह घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यवसायी की दुकान से कुछ सामान चोरी करके डकैती करके ले जाया गया था। उस कांड का उद्भेदन हुआ था, किंतु उसमें एक दो अभियुक्त शेष रह गए थे। हम लोग को प्रथम दृष्टया शक गया कि हो सकता है वही व्यक्ति जो बचा हुआ है फिर से किसी नए गैंग के साथ उसमें इस घटना को अंजाम दिया होगा। सभी पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान करते हुए, टेक्निकली मैनुअली इनपुट कलेक्ट करते हुए, बेगूसराय ज़िले में कई स्थानों पर छापेमारी हुई और इसके साथ साथ हाजीपुर, पटना, यहाँ भी अलग अलग ठिकानों पर जैसे जैसे हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिलती गई उसमें हम लोगों ने छापेमारी की। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को टीम भेज कर रेड करवाया गया। उसमें वहाँ से जो अभियुक्त के नाम आए थे अनुसंधान के क्रम में, उसके घर से वहाँ पर हम लोग को सामान बरामद हुआ, चांदी का और सोने का सामान मिला, कुछ कैश वहाँ से रिकवर हुआ। इसमें छापेमारी हम लोग गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे, तभी कल हम लोग को सूचना मिली कि उस केस से रिलेटेड अभियुक्त लोग पैसा का बंटवारा करने के लिए बेगूसराय के ही इलाके में हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत हम लोग एक टीम यहाँ से रवाना की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चार लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल हो गया। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उनमें गोपाल चौधरी, मोहम्मद कलीम, अविनाश कुमार और रंजीत कुमार, ये चार लोग हैं। एक शशि नामक जो अपराधी है वो भागने में सफल हुआ। जो शशि उस पहले केस में भी वांटेड है। गोपाल चौधरी, कलीम, अविनाश और रंजीत गिरफ्तार हुए, इनसे फिर पूछताछ किया गया। वैसे हम लोग अनुसंधान ऑलरेडी हम लोग का टेक्निकली और मैनुअली पहले से इतना हो चुका था कि यही लोग हैं, ये हम लोग को क्लियर था। अनुसंधान जिसमें गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई उन लोगों से, सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। घटना कैसे किया गया, किसकी प्लानिंग थी, सब बताया गया इनके द्वारा। और
टाउन थाना में जो केस हुआ था मई में, उसमें भी गोपाल चौधरी और अविनाश ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसमें जो लोग ऑलरेडी पकड़ाए थे उन लोगों ने इनका नाम नहीं बताया था, एक शशि का नाम बताया था जो उस केस में फिरार। इस घटना में जितना सामान ले जाया गया था वो उसके बारे में पूछताछ किया गया, इनके द्वारा बताया गया अपराधियों के द्वारा कि वो सामान इन लोगों ने बेच दिया ऑलरेडी गलाकर किसी सुनार को, और उन लोगों को उसके वज में 18 लाख रुपए कुल मिले थे। उस 18 लाख में से हम लोग की रिकवरी इन लोगों के पास से 7,52,000 रुपये हो पाई है। शेष एक जो अभियुक्त बचा हुआ, एक दो लोग बचे हुए हैं, उनके पास बाकी का कैश होने की संभावना है। साथ में घटना में प्रयुक्त किया गया जो 4-व्हीलर था घटना के बाद जिससे लोग भागे हैं, तो उसकी भी जब्ती कर ली गई है। एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 कारतूस, 79 ग्राम सोना ज्वेलरी और चांदी का 1 किलोग्राम ज्वेलरी हम लोग इसके अलावा जब्त किए हैं। जैसे ये सब जितने अपराधी हैं वो जिला के ही रहने वाले हैं, अंतर जिला या अंतर राज्य? नहीं, एक अपराधी तो यहीं का है शशि जो बताए हम लोग, कुछ यहाँ से ज़िले के बाहर के हैं, एक नवादा डिस्ट्रिक्ट का भी है, कुछ पटना के हैं, कुछ हाजीपुर के हैं। एक गोपाल चौधरी है जिसका परमानेंट रेसिडेंस बंगाल में है, बट ये हाजीपुर में कई वर्षों से रह रहा है और वहीं से अपना गैंग के साथ ये घटना को अंजाम देता है। गोपाल चौधरी का सर का नाम है सर? गोपाल चौधरी और शशि, ये दो लोग मेन नाम आए हैं इसमें, जो मास्टरमाइंड है, प्लान करते हैं और बाकी लोग को अपने साथ रोप इन करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका सर कोई और भी आपराधिक इतिहास नगर थाना के? नगर थाना में एक तो बताया मैंने जो मई में घटना हुई थी वो है, इसके अलावा 2009 में एक केस हुआ था यहाँ पे जिसमें अविनाश मोहम्मद कलीम, ये दोनों उसमें भी अभियुक्त थे, चार्जशीट हुए हुए हैं, और गोपाल चौधरी का नाम उसमें नहीं आया था बट पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि उस केस में हम भी थे। 2009 में एक इसी तरह लूट की घटना की गई थी इन लोगों के द्वारा। जिला से जो बाहर लूट की घटना पर सर, घटना में 8 लोग शामिल थे प्लानिंग को लेकर, घर के अंदर 6 लोग गए थे। इसलिए बाहर के जो अपराधी हैं उनका क्या इसमें? देखिए, अपराध करने के लिए एक प्लानिंग करना होता है, फिर जहाँ करना है घटना करना है वहाँ लाइनर का काम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली घटना को अंजाम देते हैं, कुछ लोग सामान ले जाकर भाग। देखिए, अपराध करने के लिए एक प्लानिंग करना होता है, फिर जहाँ करना है घटना करना है वहाँ लाइनर का काम कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली घटना को अंजाम देते हैं, कुछ लोग सामान ले जाकर भागने के लिए। सबका अलग अलग ड्यूटी उस घटना में निर्धारित किया जाता है, किसी भी लूट या डकैती की घटना में तो सबका अपना अलग अलग रोल है। जो चाकू मारने की घटना हुई थी आप सभी को ज्ञात है कि तो वो गोपाल चौधरी ने ही चाकू मारा था, वो भी उसने स्वीकार कर लिया है। उस बताया अनुसार हम लोग और जगह पे छापेमारी कर रहे हैं कि वो हथियार भी बरामद कर लें हम लोग, हो सकता है कि वो भी रिकवर हो जाएगा। जी अंतर्राज्यीय तो नहीं कह सकते, इन्होंने जितनी घटनाएं की हैं अंतर जिला आप कह सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किए हैं इन लोगों ने, बिहार स्टेट से बाहर का अभी तक हम लोग के संज्ञान में कुछ कोई मामला नहीं। कितना स्वीकार किया कि सोना चांदी कैश कितना ले? देखिए, इनका जो जख्मी हुए थे तो उनका हम लोग पुनर्बयान लिए हैं और उन्होंने 70 किलो चांदी का दिया है गहना और 500 ग्राम सोने के ज्वेलरी का उन्होंने हिसाब बताया है। और इन लोगों से जो पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग तो जो गलाकर बेचते हैं तो सुनार हम लोगों को 35% जितना उसका कॉस्ट होता है, क्योंकि चांदी के बहुत सारे गहने जो थे इनका कहना है कि बहुत पुराने थे, तो 35% जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसका हम लोगों को मिला था। कुल 18 लाख रुपये इन लोगों को कैश मिले थे जितना भी ज्वेलरी इन लोगों ने बेचा है, उसमें से मैंने बताया 7.5 लाख रुपये करीब बरामद है, 1 किलो ज्वेलरी और बरामद है चांदी की और 80 ग्राम करीब सोना बरामद। लगभग 50-60 लाख रुपया का मतलब चोरी है ना? अब एक्चुअल अमाउंट कितने का था, वो ज्वेलरी कितनी पुरानी थी, कितना चांदी था, ये तो वो जो मालिक है वही बता पाए। कैश 70,000 का लिखा, 70,000। सर, एक हमेशा आपका बेहतर रिकॉर्ड रहा कि जितनी लूट बताई जाती है उससे ज़्यादा रिकवर हुआ है। पिछले दो घटनाओं में बरौनी में लूट कांड हुआ था उसमें भी, और तेगड़ा बैंक इसमें भी कुछ इस तरह का आ रहा है सर, जितना बताया गया उससे अधिक नहीं, अधिक तो रिकवरी नहीं कर पाए हम लोग, मतलब जितना था उतना भी रिकवर नहीं कर पाए अभी तक हम लोग। मैंने बताया 2 अभी भी अभियुक्त हमारे पहुंच से बाहर है और इन लोगों के द्वारा जो बताया गया वो सामान सारा इन्होंने गला कर बेच दिया, तो एक्चुअल सामान तो रिकवर कर पाना अब संभव नहीं। हम लोग का प्रयास है कि जो जिसको इन लोगों ने बेचा है
उसके यहाँ से जिस भी रूप में हो हम उस सामान को बरामद कर सकें और जो अपराधी बचे हुए शेष उनको गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाएं। कलकत्ता में जाकर बेचा था सर? नहीं, पटना में ही बेचा है। घटना घटी है गढ़हरा थाना क्षेत्र में, डकैती के दौरान में गोली मार कर हत्या हुई है। कहाँ? रात में? नहीं नहीं, इसी जगह को देखते हुए ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि डकैती हुई है वहाँ पे। कुछ और मामला है, अभी जांच चल रहा है। उसके उसका पति तो नहीं मार दिया? वो हम जांच कर रहे हैं, हम लोग जो भी आएगा आगे अनुसंधान में हम लोग आपको बताएंगे। सर, एक शिवदानी महतो है वीरपुर थाना क्षेत्र के, पिछले कई दिनों से लापता है, उनके परिजन आपके यहाँ गुहार लगाने भी आज आए हैं, तो सर उसमें कुछ बताना चाहिए कि उसके लिए SDPO सदर के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम बनाई हुई है। अलग अलग पहलुओं पर जांच चल रही है। कुछ जो बातें प्राइमा फेसी आई हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था कई लोगों का, तो उस बिंदु पे भी हम लोग देख रहे हैं। FSL की टीम भी बुलाई गई थी, हम लोग टेक्निकल अपना काम उसमें कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी सकुशल हम लोग बरामदगी कर लें। ये अपहरण की आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं परिवार, उनके परिजन, ये इसमें देखिए, जब तक रिकवर नहीं हो जाते, वो बरामद नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कह पाना, अपहरण है या कुछ चले गए वो कह पाना अभी संभव नहीं हमारे लिए।